हेलो दोस्तों, निहाज किचन बिला में आज हम लोग बनाएंगे समर स्पेशल कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो झटपट भी बनेंगे और आप इन्हें घर पर बनाएंगे वो भी बहुत ही आसानी से और ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। घर पर ही बना हुआ एकदम प्योर और बढ़िया सा ठंडाई पाउडर, तो इसको कैसे बनाएंगे जिसमें किसी भी तरह का कोई भी आम मिक्स नहीं होगा या फिर शरबत नहीं होगा। हमें पता है कि इसमें जो हमने डाला है वही है, तो चलिए बनाते हैं एकदम प्योर ठंडाई घर पर ही। कैसे बना सकते हैं इस ठंडाई पाउडर को बनाने के बाद, आप इसको कम से कम 3-4 महीने के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी मन करे सिर्फ इस पाउडर को निकालना है आपको, दूध में मिक्स करना है और थोड़ा सा बर्फ ऐड कर दीजिए या फिर ठंडे ठंडे दूध में आप इसको डायरेक्ट मिक्स कर लीजिए और आपकी ठंडाई हो जाएगी रेडी। तो क्या लिया हमने, छोटी वाली कटोरी जो होती है उसमें काजू बादाम और पिस्ता, या फिर आप 15-15, 20-20 काजू बादाम और पिस्ता ले लीजिए। उसी के साथ 2 चम्मच खसखस, खसखस यानी पॉपी सीड्स, जो कि ठंडक भी देती है, आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छी है, उसी के साथ दूध को थिकनेस भी देती है। 6 से 7 इलायची, और ये है मेरे पास सौंफ, मेरे पास सौंफ पाउडर पिसा हुआ है। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, जो साबुत सौंफ आती है वही ले लीजिए, लगभग 1 कटोरी। 1 चम्मच भरकर काली मिर्च, साबित है तो साबित डाल लीजिए, पाउडर है तो पाउडर डाल दीजिए। मिगी के दाने, रोज पेटल सूखे हुए, और उसी के साथ कुछ केसर की पत्तियां, 8 से 10 केसर पत्ती बहुत है। 1 कटोरी चीनी। बस सब कुछ निकाल लिया, इस जार में हम डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको हम पीसते चले जाएंगे। एक साथ डालेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा डालें और चीनी भी साथ में थोड़ी थोड़ी डालकर पीस लें। आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट वाला ठंडाई पाउडर हो गया है रेडी। अब जब भी आपको उसको पीना हो तो 1 मिनट पहले आप इसे दूध में मिक्स कर लीजिए और थोड़ी सी आइस के साथ इसको कभी भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं अभी सेकंड ड्रिंक जिसको अभी हम बनाएंगे रोज़ ठंडाई। तो रोज़ ठंडाई बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ सूखे हुए रोज़ पेटल्स, उसी के साथ आइस और दूध। हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा रोज़ सिरप, रोज़ सिरप नहीं है तो आप रुआबजा का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप ठंडाई डालेंगी, आप चाहें तो मार्केट की डालिए, और साथ में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। और ये तैयार है आपका रोज़ ठंडाई फ्लेवर। इसे आप थोड़ी सी सूखी हुई रोज़ पेटल्स के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही अमेजिंग लगती है पीने में, एंड इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। आप देख ही सकते हैं ये देखने में ही कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट आज हम बनाने वाले हैं घर पर ही एकदम मार्केट स्टाइल ओरियो आइसक्रीम शेक, जो कि बच्चों को मार्केट जाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट क्या आप जानते हैं इसे हम घर पर भी बहुत ही चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे, इसी के साथ ही साथ हम यहाँ पर एक और ड्रिंक कवर करेंगे, ये है हमारा किटकैट शेक। किटकैट शेक भी बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, किटकैट या फिर ओरियो शेक, आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, चाहें तो दोनों को सेपरेट अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई भी एक चीज़ यूज़ करके, आपको जैसे भी पसंद है आप वैसे बनाइए। तो यहाँ पर हमने ना किटकैट को भी थोड़ा सा क्रश कर लिया है और साथ ही ओरियो को भी क्रश कर लिया। यदि खाली आप किटकैट शेक बना रहे हैं तो थोड़ा सा किटकैट को अलग से आप चॉप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा आइस डाला, उसके साथ हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी, अभी हम यहाँ पर 4 ग्लास बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली थी, उसी के साथ यहाँ पर हमने 1/2 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है। आप यदि कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं फ्लेवर तो आप चोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास अभी क्रश किया हुआ ओरियो था वो डाला और क्रश किया हुआ किटकैट डाला, इसका हमने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट अभी बचा लिया है, रोक लिया है, और इसमें हमने अभी ठंडा दूध ऐड कर दिया है। बस अब क्या है, हमने ब्लेंडर जार को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये है हमारे पास वो ग्लासेस जिसमें हम इनको सर्व करने वाले हैं। तो इसको सर्व भी हम थोड़ा स्टाइल से करेंगे जैसे कि मार्केट में आता ही है, तो चलिए इसको हम ग्लास में करेंगे।
एंड जब मैंने इसको ग्लास में पोर किया तो आप देख ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा चॉकलेटी हो रहा है और कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है। अब हमने जो किटकैट थोड़ा सा क्रश किया हुआ और रोका था यहाँ पर, या फिर आप चॉप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, सब में आप ऊपर से अच्छे से डालिए। उसके बाद यहाँ पर हम बड़ा स्कूप भर के डाल रहे हैं वनीला आइसक्रीम का। तो ये गया इसमें एक एक बड़ा स्कूप वनीला आइसक्रीम। उसी के साथ यहाँ पर अभी हमारे पास थोड़ा सा किटकैट और है तो ऊपर से हम और डाल देते हैं थोड़ा सा किटकैट। और साथ ही हमारे पास ये है क्रस्ट ओरियो जो हमने बीच में रोक लिए थे डालते डालते, तो हमने ऊपर से ये भी ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा क्रीमी ओरियो एंड किटकैट शेक रेडी हो गया है। आप चाहें तो अलग अलग बनाइए, चाहें तो एक साथ बनाइए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा समर ड्रिंक की तरफ जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है और बच्चे आए दिन इसका डिमांड करते हैं। ये हमारा कोल्ड चॉको। कोल्ड चॉको बच्चों को बहुत पसंद होता है तो इसे हम घर पर तैयार करेंगे मिनटों में। इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉको पाउडर। उसी के साथ चॉको पाउडर को थोड़ा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा यानी चौथाई चम्मच कॉफ़ी पाउडर। और ये है मेरे पास एक चॉकलेट, ये कैरेमल चॉकलेट है क्योंकि यहाँ पर आज हम कैरेमल वाला चॉको कोल्ड चॉको बना रहे हैं, कैरेमल कोल्ड चॉको। तो यहाँ पर हमने 5 स्टार का कैरेमल वाला फ्लेवर लिया है। इसी के साथ हमने थोड़ा सा यहाँ पर चीनी ऐड किया, थोड़ा सा आइस ऐड किया और अब पहले हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसमें पहले दूध ऐड नहीं करेंगे। यदि आपने दूध इसमें पहले ऐड कर दिया तो जो इसका जो क्रीमी टेक्सचर होता है जो आप इसको पहले फेंटेंगे उसके बाद आप देखेंगे वो नहीं आएगा फिर इसमें। इसके बाद हमने इसमें ठंडा ठंडा सा दूध ऐड कर दिया और एक और बार ब्लेंड कर लिया। अब बस ग्लास को रेडी कर लेते हैं। ग्लास पर हम लगाएंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। कुछ इस तरह से। और ये रेडी हमारा कैरेमल कोल्ड चॉको। तो ये आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू।